आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आने वाले सप्ताह का राशिफल, अर्थात 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 12 राशि वालों का जीवन कैसा रहेगा, क्या क्या बदलाव होंगे। आइए जानते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह मेष राशि के लोगों को क्रोध ज्यादा आ सकता है, परंतु कुछ कर गुजरने की शक्ति मन में बनी रहेगी। धन के लिहाज से अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी ना बने अन्यथा मन विचलित रहेगा। इस हफ्ते माँ के सहयोग से सुख बढ़ने के योग बनते हैं, कामकाजी जीवन में काफी अच्छा बदलाव होने के योग बनते हैं, जिससे मन में उत्साह बढ़ेगा। वाहन सुख के योग भी बनते हैं, ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध अच्छे बनने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ध्यान रखें, गलत फहमियों के कारण परेशानी हो सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोग अपने क्रोध पर काबू रखें तो इसमें कोई शक नहीं कि जबरदस्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके दिमाग में भूमि या वाहन खरीदने की योजनाएं बन सकती हैं। परिवार के साथ समय प्रसन्नता से बीतेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के ऊपर आप काफी खर्चा कर सकते हैं, अतः ध्यान रखें, शत्रु परास्त होंगे। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप किसी से अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको मौका मिल सकता है। मिथुन राशि, इस सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों का काम किसी के सहयोग से पूरा होने के योग अच्छे बनते हैं। शत्रु परास्त होंगे, परंतु खुद के अंदर की इच्छाओं से लड़ना होगा। अगर आप किसी शोध कार्य से जुड़े हैं तो निश्चित ही आप इस हफ्ते काफी कुछ नया ढूंढ पाएंगे। आय बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अनायास कुछ अड़चने परेशान कर सकते हैं, परंतु आप सब पे काबू पा लेंगे। कर्क राशि वालों का मन विचलित रहेगा, परंतु भाग्य साथ देगा, जिससे सोचे काम पूरे होंगे। काम के सिलसिले में यात्राएं हो सकती हैं, परंतु आपको इससे लाभ होगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ने के योग अच्छे हैं इस हफ्ते, जिससे मन प्रसन्न होगा। कामकाज में नए जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती है, जो कि आपको एक नया अवसर देगा अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। नहीं चाहते हुए भी आप कुछ चिंतित रह सकते हैं, जिससे अंदर ही अंदर कुछ डरे हुए भी रह सकते हैं। सिंह राशि, इस हफ्ते सिंह राशि वाले लोगों को सीखने के काफी अच्छे मौके मिलेंगे, साथ ही अपने भाई बहनों के सहयोग से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कामकाज के क्षेत्र में अचानक से बदलाव हो सकते हैं, जो कि आपको रोमांचित कर देगा। विपरीत लिंग के संपर्क में आने से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जो कि आपको आगे जाके परेशान कर सकते हैं, अतः सावधान रहें। कामकाज के सिलसिले में आप यात्राएं भी कर सकते हैं और कुछ सीखने के लिए भी आप इस हफ्ते खर्चा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा। कन्या राशि के जातक इस हफ्ते अपने वाक चातुर्यता का प्रदर्शन करके काफी मुनाफा कमा सकते हैं। इस हफ्ते आप अपने रुके कार्यों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाने में सफल होंगे, जिससे कि आपको प्रसन्नता मिलेगी। इस हफ्ते आप कुछ रहस्यमय तरीके से काम कर सकते हैं, जिससे कुछ लोगों को अजीब भी लग सकता है। पेट में गर्मी बढ़ सकती है, इसीलिए खाने पीने में सावधानी बरतें तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, और अगर आप किसी प्रेम करते हैं तो उनके साथ भी समय अच्छा बीतेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आपको वो भी मिल सकता है। तुला राशि वाले लोग इस सप्ताह कुछ अपने आप में उलझा हुआ सा महसूस कर सकते हैं, परंतु इस हफ्ते आपके काम अकस्मात रूप से पूरे होंगे, जिससे आपको खुशी होगी। आपको भूमि या वाहन लाभ के योग बनते हैं, जीवन साथी से तकरार हो सकता है, अतः व्यवहार में सावधानी बरतें। अगर आप व्यापारी हैं तो आप अपने काम को बढ़ा पाएंगे, और नौकरी करते हैं तो भी आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। वृश्चिक राशि के लोग इस सप्ताह किसी भी विषय के तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ नए रहस्य सामने आएंगे।
कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको नाम और यश की प्राप्ति के अच्छे योग हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। आपको अचानक से क्रोध आ सकता है जिससे बहुत नुकसान हो सकता है, अतः विशेष सावधानी रखें अपने खुद के ऊपर, अपने व्यवहार पर, अपने बदलते हुए विचारों पर। धनु राशि। इस हफ्ते धनु राशि के लोग कुछ गंभीर स्वभाव में रह सकते हैं और अगर आप शिक्षण के क्षेत्र में हैं तो अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु आपसे पराजित होंगे परंतु विपरीत लिंग से दूरी बना के रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अपने शोक के कारण आपको नुकसान हो सकता है, अतः दिनचर्या पर ध्यान दें। कामकाज के में कुछ अदृश्य बाधाएं परेशानियां पैदा कर सकती हैं जिससे मन थोड़ा व्यथित भी हो सकता है। मकर राशि के लोग इस हफ्ते कुछ निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं कामकाजी जीवन में, सोसाइटी में, दोस्तों के बीच। भूमि और वाहन खरीदने की योजना आप बना सकते हैं परंतु जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है। अगर आप साझेदारी में कुछ करते हैं तो हो सकता है कि कुछ विवाद आपको परेशान करें। कामकाज में कोई अकस्मात बाधा आपको परेशान कर सकती है परंतु संघर्ष के बाद जीत आपकी ही होगी। कुंभ राशि वालों का कामकाज में अकस्मात बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए जो कि आपके लिए शुभ रहेगा। माता का साथ आपको मिलेगा जिससे आप सफल होंगे। इस हफ्ते आय बढ़ाने के लिए भी आप कुछ और कर पाएंगे जिससे आपको राहत मिलेगी। आप अपने आप को सामाजिक कार्य में भी लगा सकते हैं। छुपे हुए शत्रु आपको इस सप्ताह परेशान कर सकते हैं जिससे कुछ नुकसान हो सकता है, अतः सावधान रहने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों को इस हफ्ते पढ़ाई में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात किसी नए विषय को सीखने में कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। अचानक से आपको कहीं यात्रा करना पड़ सकता है जो कि आपके लिए शुभ रहेगा, अतः चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी में हैं तो इस हफ्ते नए अवसर आपको रोमांचित कर सकते हैं जिससे मन प्रसन्न होगा। परिवार के साथ आप धर्म के कार्यों में भी जुड़े रह सकते हैं। बात करते समय थोड़े सावधान रहें, उत्सुकता में आपको नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा 12 राशियों का राशिफल आने वाले सप्ताह के लिए। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपने बारे में विशेष जानकारियों को जानना चाहते हैं तो भी आप ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।